अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद है कि पब्लिक में लॉ की अवेयरनेस हो। जैसा कि हम लॉ स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम इधर प्रॉपर एक तरीक़ेकार से सीख रहे हैं वो पब्लिक को एक अच्छे अंदाज में डिलीवर की जाए। तो जैसे हमारे माशरे में बहुत सी इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो जैसा हम आपको गाइड करेंगे, जैसा कि लॉ के मुताबिक प्रोसीजर है, तो उसके मुताबिक कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है, किसी सेक्शन की क्या सजा होती है। तो हम अब आपको कुछ लॉ के बारे में बताते हैं कि लॉ एक स्टेट में क्यों बनाया जाता है, लॉ बेसिकली होता क्या है, लॉ क्यों बनाया जाता है। लॉ बेसिकली हमारे राइट को महफूज करने के लिए बनाया जाता है। ये बेसिकली जब हम अपने राइट्स हासिल करते हैं तो पहले हमें अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारी राइट्स महफूज होते हैं। तीन चीज़ें इसमें आती हैं, राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। ये तीन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीक़ेकार से हैंडल करने के लिए लॉ बनाया जाता है। बेसिकली ये एक कमांड ऑफ सॉवरन होता है, जो हायर अथॉरिटी होती है, जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाती है और उसको इन्फोर्स करने के लिए आगे फिर कोर्ट्स और फर्दर प्रोसीजर बनाया गया है। तो जैसे कि विलेजेस में, बहुत सी प्रमिटिव सोसाइटीज़ में कुछ लॉ का इग्नोरेंस होती है, कुछ नहीं पता होता, बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग बिल्कुल खामोश होते हैं। तो उनको गाइडलाइन देने के लिए प्रॉपर कि उनमें कुछ लॉ का शऊर आए, उनमें कुछ लॉ की अवेयरनेस आए, ताकि वो स्टैंड लें कि कहाँ पर इलीगल हो रहा है, कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो उस मामलात में हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए इंतजार।